छिंदवाड़ा में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने ये कार्रवाई शहर के जेल तिराहे से ईएलसी के बीच की है, जहां अवैध रूप से किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया। आपको बता दें कि शहर में किए गए अवैध निर्माण कार्यों से यातायात में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद प्रशासन का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान ही अशांति फैलाने के आरोप में स्थानीय फौजी फ्रूट पर बीएनएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर ने कहा है कि नगर निगम और यातायात पुलिस के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिससे यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। चूंकि अभी तक मानसून चल रहा था, इसलिए अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। मानसून अब समाप्ति की ओर है और विभिन्न मार्गों पर जो लोगों ने अस्थायी रूप से ठेले इत्यादि लगाकर और यातायात को बाधित कर रहे थे, आज उन सभी को वहां से हटाया गया है। सर, कब तक की चलेगी ये? अब तो कंटिन्यूस चलेगी, रूटीन कार्रवाई चलती रहेगी। नहीं, आज भी जो बैनर रास्ते में थे वो सब हटाया गया। किसी पे कोई कार्रवाई की गई और एफआईआर जिसने किसी ने विरोध किया तो? किसी एक व्यक्ति ने कुछ कार्रवाई विरोध किया था, जिसको टीआई साहब ने उस पर कार्रवाई की है।